तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है कि हम वैल्यूज़ जो है खुद लिखते हैं, ठीक है, वहाँ पर डेटाबेस में अपनी भेजने के लिए, यहाँ पर भेजने के लिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, यूज़र हमें इनपुट दे और हम वहाँ पर स्टोर करवा लें। तो उसके लिए हमें वेरिएबल्स का यूज़ करना पड़ेगा और वो थोड़ा वाइजली यूज़ करना पड़ेगा। और वाइजली क्या है कि आपको एफ स्ट्रिंग का यूज़ करना पड़ेगा। वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं एफ स्ट्रिंग की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ वेरिएबल बना लेता हूँ, उसको कहता हूँ कि यूज़र का नेम है, ठीक है, और उसको कहता हूँ कि आप इनपुट कर दो नेम, ठीक है, और उसको मैसेज शो करवा देता हूँ, एंटर नेम, ठीक है। तो उसने नेम अब एंटर कर देना है, और फिर मैं यूज़र की एज भी उसी से पूछ लेता हूँ, ठीक है, एज डायनमिक हो जाए आपकी डेटाबेस में जो चीज़ जाए वो इंटीजर में होगी, और वो मैं इनपुट करवा दूँगा, उसको शो करवाऊँगा कि वो एज इनपुट करे। और ये मैंने लिख दिया एंटर एज, और उसने अब एज इनपुट कर देनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये वैल्यूज़ अब चेंज किस तरह करनी है, ठीक है। उसके लिए आप शुरू में यहाँ पर एफ़ लगा देंगे कि आप एफ स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे पाइथन में। एफ़ लगा दिया, इसके अंदर अब हम इस स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह, कि इसको मैं कहूँगा कि इसको आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने ब्रैकेट्स लगानी है, कर्ली ब्रैकेट्स दो, और उसके अंदर आपने अपने यूज़र का नेम लिख देना है। यूज़र नेम जो भी यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर अब इंसर्ट हो जाएगा। और उसी तरह इस 20 को ख़त्म करके यहाँ पर भी ब्रैकेट्स लगानी है, और यहाँ पर यूज़र की एज लिख देंगे। ओके, तो अभी एज आ गया और नेम आ गया। तो अब मैं इसको करता हूँ सेव, और अब मैं अगर प्रोग्राम अपना चलाता हूँ, अब मेरे पास वो नाम पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करके आपको दिखाऊँ, हाँ ऊपर हो जाए भाई। तो अब मेरे से नेम पूछ रहा है, तो मैं नेम डालता हूँ जॉन, ठीक है, जॉन नेम डाला। और एज पूछ रहा है, तो एज मैं डालता हूँ 35, 35 एज डाली। तो अब मैं जैसे ही करूँगा तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है वहाँ पर पहुँच गया होगा। देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ से ब्लू बटन से, तो ये जॉन और 35 मेरे पास अब पहुँच गए। यहाँ पर आपने ख्याल क्या रखा है कि आपने एफ स्ट्रिंग एक तो यूज़ किया, ऊपर से आपने इन ये स्ट्रिंग के कोमे के अंदर आपने अपना वेरिएबल यूज़ किया है, ठीक है। तो इसका आपने ख्याल रखा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद